हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे। आप देख रहे हो, ये सब मैंने चटपटी चीज़ ली है। जैसे मैंने 56 भोग गणपति बापा को बनाए थे, इसी से मैं ये सब है। तो इसी से हम अभी भूख लगी है तो क्या करें, तो इसी से हम चटपटा बना रहे हैं। तो बढ़िया सा बनेगा यह चटपटा, छोटे से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा। ये अभी इतनी सारी मैंने सामग्री ली है, प्लस लिया है ककड़ी, एक छोटा सा टोमेटो और एक प्याज, साथ में लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। बस इतनी ही सामग्री हमें लेनी है। अभी हम बड़ा वाला बाउल लेंगे, इस तरह से हमें इसी से हमें बनाना है। अभी जो है ये मठिया बोलते हैं छोटे वाले, तो इसे हम तोड़ डालेंगे। इतनी बढ़िया सी टेस्ट आएगी इसके, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। और एकदम इजी रेसिपी है, टेस्ट ज़बरदस्त आएगा इसका। और ना मैं इसमें कोई चटनी या कुछ भी नहीं डालना है, साथ में ये नमकीन, नमक पारे भी कहते हैं इसे। दालमोठ, चिवड़ा, ये दो प्रकार के चिवड़े हैं। चना चटपटी साथ में डाल रहे हैं, सेव छोटी वाली। ऐसे खाने में तो मज़ा आ जाए। ये छोटे वाले वेफर, अभी इसमें स्ट्रॉबेरी वाले और चॉकलेट वाले शक्कर पड़े हैं, वो इसे हमें साइड पे रखते हैं। अभी इसे हम मिक्स नहीं करेंगे। अभी जितना भी हमने नमकीन लिया है, इसे तो पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बस ऐसे भी कुछ घर में बचाओ ना, तो इस तरह से आप बना दीजिए। अगर आपको चटनी पसंद है तो चटनी भी डाल दीजिए, पर क्या होता है चटनी में इसका ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है, इसलिए मैं इसमें चटनी अवॉइड करती हूँ। ये दूसरा चिवड़ा है, इसे भी हम डाल देते हैं। अभी पूरा नमकीन हमने मिक्स कर दिया है, इसमें डाल देते हैं प्याज, ककड़ी। और तभी बनाना है कि जब खाने के लिए आप रेडी हो, नहीं तो ये क्या होगा कि नरम हो जाएगा तो मज़ा चला जाएगा, तो इस तरह से नहीं करना है। तो साथ में डाल रहे हैं चाट मसाला और इसके साथ डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया सी आ रही है, और इसके आपको टेस्ट करके देखना है कि अगर कुछ कम होगा, ये बड़ा पीस रह गया, इसे साइड पे निकालते हैं। अगर कुछ कम होगा तो आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, पर मुझे मेरे घर पे नींबू नहीं ज़्यादा पसंद करते खट्टा, इसलिए मैं इसमें टोमेटो डाला है, चाट मसाला डाला है, तो वो इतना ही इनफ है। अभी मैं इसका टेस्ट करके देखती हूँ, उसके बाद वो जो दो शक्कर पड़े हमने साइड पे निकाले हैं तो इसे हम ऐड करेंगे। इसे चाट मसाला ही कम है और तीखा भी कम है, तो तीखा भी थोड़ा हम डाल देते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बचे हैं हमारे दो चीज़ें, वो भी हम डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर देते हैं। वाह क्या बात है, बस हो गया हमारा चटपटा। अभी इसे हम डिश में सर्व करते हैं। अभी लीजिए डिश में, वाह क्या बात है। देखिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया सा टेस्टी घर पे बन सकता है। सिर्फ बनाने की टेक्निक आप चेंज कर दो तो ये बाहर से भी बढ़िया सा बनेगा, और घर के कभी बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बोलेंगे हमें घर पे ही अच्छी तरह से बढ़िया सा खाना है। तो इस तरह से आप बनाइए, गजब। ये देखिए वाह क्या बात,
इस तरह से चटपटा बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद है तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से चटपटा जरूर बनाइए। मुंह में पानी आने वाला, वाह क्या बात है। देखिए इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद है तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से जरूर बनाइए। धन्यवाद।